अब यह अहम खबर है। सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में बीएनपी मेंगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें अख्तर मेंगल ने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि हुकूमत उन्हें सिर्फ मुश्किल वक्त में याद करती है। परवेज़ खटक और कासिम सूरी ने बीएनपी मेंगल को तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। मज़ीद इस हवाले से तफ़सीलात जानेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदे औरंगज़ेब काकर से। औरंगज़ेब, बताए गए इस मीटिंग के हवाले से। हाँ जी, शुक्रिया। हुकूमती वफ्द ने जो है बीएनपी मेंगल सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की है। मुलाकात में जो है मुशीर इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ डिप्टी स्पीकर ने भी इस मुलाकात में शरीक थे, जबकि बीएनपी मेंगल की तरफ से सेनेटर जानदे जमालदीनी आगा हसन बलोच जो है वो बीएनपी मेंगल की क्यादत कर रहे। इसके साथ साथ इजलास में जो है बीएनपी मेंगल सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की जानब से शिनकाती एजेंडे पर अमल दरामद न होने पर अपने तहफात का इजहार किया था, जबकि इसके साथ साथ जो है कुछ गिले शिकवे भी हुए। इस हवाले से हमारे जरा ये बताते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से ये कहा गया कि जो है सिर्फ जो है जो पीछे हुकूमत है वो सिर्फ वोट। बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आगाह कर रहे थे औरंगज़ेब काकर।